छत्तीसगढ़ के गोरेला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने कंप्यूटर दुकान संचालक की हत्या का खुलासा करते हुए मामले में मृतक की पत्नी और मृतक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयोग की गई कार और वारदात को अंजाम देने के लिए उपयोग किए गए डंडे को भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला गोरेला थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली कि चुकती पानी और ज्वालेश्वर मार्ग पर सड़क किनारे खाई में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, तब पुलिस को पता चला कि मृतक पेंड्रा थाना क्षेत्र के कुदरी गांव में रहने वाले रजनीश डैनियल का है, जो पेशे से कंप्यूटर दुकान संचालक था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि रजनीश डैनियल 11 नवंबर को घर से अचानक गायब हो गया था और उसकी पत्नी ने गुमशुदगी की शिकायत दी हुई है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृतक की हत्या किसी वजनी चीज से सिर में चोट मारने और गला दबाने से हुई है। फिर पुलिस ने मामले में अलग अलग बयान लिए। पुलिस को मामले में संदेह मृतक की पत्नी के ऊपर हुआ, जिसके चलते उससे पूछताछ की गई। पहले तो मृतक रजनीश डैनियल की पत्नी गोलमोल जवाब देती रही, पर पुलिस की कड़ाई के आगे उसकी एक ना चली और हत्या की बात कबूल कर ली। मृतक की पत्नी और मृतक के चालक भूरेलाल ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। मृतक की पत्नी ने बताया कि वह अपने पति से काफी परेशान थी। रजनीश उसे शारीरिक और मानसिक रूप से काफी परेशान करता था, यहां तक कि खाने पीने को भी नहीं दिया करता था। इसी प्रताड़ना से तंग आकर मार्गरेट डैनियल ने अपने चालक भूरेलाल के साथ मिलकर रजनीश डैनियल को मारने का प्लान बनाया। फिर 18 नवंबर को मौका देखकर जब रजनीश डैनियल घर में सोया हुआ था, तभी भूरेलाल ने डंडे से रजनीश के ऊपर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद आरोपी मार्गरेट और भूरेलाल दोनों शव को चादर में लपेटकर चुकती पानी जालेश्वर मार्ग पर सड़क किनारे खाई में फेंकाए। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए डंडे और कार को भी बरामद कर लिया है। गोरेला से संवाददाता संतोष नामदेव की रिपोर्ट। अभी गोरेला पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। ये शव जो है डिकम्पोज्ड हालत में, काफी सड़ी गली खराब अवस्था में मिला था और ये खाई में मिला था नीचे, और शव की फोटो वगैरह उस समय मेरे पास आई थी तो हमने भी देखा था। काफ़ी मतलब हालत तो वाकई ख़राब था, पुराना शव था, तो उसको शिनाख्ती की गई पहले तो, और सब जगह मैसेज वगैरह कराया गया, तो उससे फिर धीरे धीरे शव का पता चला कि शव है किसका, हुलिया वगैरह के आधार पे। और उसके बाद जो है जब आगे इसमें विवेचना मतलब इसका पीएम वगैरह हुआ, तो इसमें गला दबा के मारने की बात सामने आई है। तो अब वो खाई में शव पड़ा है, गला दबाया किसी ने, तो काफ़ी जो है मामला संगीन किस्म का ही था। और इसमें जो स्पेशल टीम बनाई गई, जिसमें एडिशनल एसपी साहिबा भी थे, एडिशनल एसपी साहब अभी कल अवकाश पे गए वो भी थे, और एसडीओपी साहब हैं थाना प्रभारी और उनकी टीम, काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने। और जब शुरू में काफ़ी इन्होंने दाएँ बाएँ बताने की कोशिश की, लेकिन जब थोड़ा कड़ाई से और भी पूछताछ के तरीके होते हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से, अलग अलग पूछताछ करने पे वर्जन्स में वेरिएशन वगैरह आया, तो हमें इन पे थोड़ा डाउट वगैरह हुआ। फिर थोड़ा कड़ाई वगैरह से पूछताछ करने पे खुलासा हुआ कि ये हस्बैंड जो था इस लेडी का, इनको बहुत प्रताड़ित कर रहे थे और काफ़ी समय से प्रताड़ित कर रहे थे। आपने देखा भी होगा खाने पीने की भी इनको बड़ी किल्लत हो रही थी, और ऐसा कोई रुपये पैसे की खास कमी वगैरह नहीं थी, लेकिन ऐसा ही इनके रिश्ते में था, थोड़ी वो फ्रिक्शन चल रही थी। तो लेडी ने जो है अपने नौकर के साथ में मिल करके उसको भी थोड़ा सा लालच वगैरह दिया है, और नौकर के साथ में मिल करके हस्बैंड के सर पे नौकर ने डंडे से मारा है, और इसको जो है गला दबाया लेडी ने फिर, और उसके बाद इसको चादर में लपेट करके ये लोग खाई में शव को डाल आए हैं, और चादर को इन्होंने बाद में जलाया है, तो उसके अवशेष वगैरह भी बरामद हो गए हैं, डंडा है और गाड़ी भी जो है जब्त कर ली गई है। बाकी इन्होंने कन्फेस भी कर लिया है, और आगे सारी विवेचना में इसको विवेचना को इस तरह से करने की कोशिश की जाएगी कि इनको इनके कृत्य के अनुपात में सजा मिले। अभी जीपीएम पुलिस का ये मानना है कि अपराध में खासकर जो मृत्यु है, मतलब किसी की हत्या आप कर रहे हैं, तो हत्या से बड़ा कोई अपराध नहीं, तो इसको बिल्कुल अत्यधिक गंभीरता से लेते हुए इनको सख्त से सख्त सजा मिले, इसकी पुरजोर कोशिश की जाएगी। हाल में
और भी कुछ एक जो इस तरह के प्रकरण हैं उनको निकाल किया गया है, कुछ एक लंबित भी हैं, उनके लिए भी लगातार हम लोग की कोशिश जारी है। तो अभी आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.